हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, दिस इज़ लोकेश सर। आइए, कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बट्टा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर ये, और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपने किसी वस्तु पर पहले दिया 25%, फिर उसके बाद आपने दिया 20%, और फिर उसके बाद आपने दिया 10%, आपने ये तीनों क्रमवार बट्टे दिए हैं, तो बताइए कि कुल बट्टा आपने कितना दिया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए 45%, बी 46%, सी 54% या डी 55%। तो आपको, अगर आप किसी वस्तु पर ये तीन लगातार क्रमिक बट्टे दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बताइए आपने कितना टोटल ओवरऑल बट्टा उस पर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए इनका सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपके पास जो वस्तु थी उसकी एक्चुअल कीमत थी कितनी, 100 रुपये। ओके, तो देखिए 100 रुपये की वस्तु थी। अब इसमें आपने सीधे सीधे 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो 25% का डिस्काउंट दिए तो 25 रुपये सीधे सीधे डिस्काउंट कट जाएगा और आपके पास वस्तु कितनी हो जाएगी, 75 रुपये की। ओके, अभी आपके पास वस्तु जो है 75 रुपये की हो चुकी है। अब 75 रुपये का 20%, 75 रुपये का 20%, देखिए 75 रुपये का 10% कितना होता है, 7.5 रुपये। तो अब 75 रुपये का फिर से 20% आप यदि डिस्काउंट देंगे तो आपका कितना, 10% होता है 7.5, तो 7.5 और दो, दो टू टाइम्स कर दिया आपने, तो कितना हो गया, 15 रुपीज़ आपने ये एक बार ये डिस्काउंट मिल गया। अब आपके पास जो है कितना पैसा बच गया, देखो 15 रुपये माइनस कर दो क्योंकि 15 रुपये तो डिस्काउंट छोड़ दिया आपने, तो बच गया 60 रुपीज़। अब फिर से कह रहा है कि 60 रुपीज़ में यदि आपने फिर से एक बार, यहाँ पर 60 रुपीज़ में आपने यदि फिर से एक बार इस पर बट्टा दे दिया, कितना बट्टा दे दिया भाई आपने 60 रुपीज़ पर, 60 रुपीज़ पर आपने दे दिया है 10% का बट्टा, तो 10% बट्टा दे देंगे 60 रुपीज़ पर, तो 60 रुपीज़ का कितना हुआ, 6 रुपये और काट दो तो बचे कितने, 54 रुपये आपके पास। तो आपने भाई 6 रुपये और डिस्काउंट दे दिया, ठीक ना। तो आपने टोटल कितना बट्टा दिया, देखिए टोटल आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, तीन बार लगातार आपने डिस्काउंट दिया है, तो टोटल आपका आंसर 54 नहीं होगा, ये बहुत मिस्टेक होती है, 54 नहीं होगा इसका आंसर। आपने टोटल दे दिया 25 रुपये एक दे दिया, फिर 15 रुपये एक दे दिया, फिर 6 रुपये और दे दिया, तो इस तरीके से 25 और 15, 40 और 46 रुपये आपने टोटल डिस्काउंट दे दिया। तो 100 रुपये में 46 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब टोटल परसेंटेज कितना हुआ, अगर आप कम क्रमिक बट्टे दे रहे हैं इस तरीके से, तो आपको थ्री बार में, तीन बार में 46% का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। तो ये एक टाइप का प्रश्न होता है, इसको अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।